अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ पुलाव बनाने लगे हैं और हमेशा से यखनी वाला पुलाव बनता है, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट पुलाव बनेगा। बहुत अच्छा, लजीज और डिफरेंट स्टाइल पुलाव का। ये देखिए, अब लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है वो जो मैं डाल रही हूँ इसमें। इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करूँगी। गोश्त को आप देख लिया होगा कि एक बॉयल पानी में मैंने निकाला है, ताकि इसका वो धोने के बाद भी जो गोश्त का वो खून टाइप का पानी निकलता रहता है तो उससे ज़रा अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक बॉयल करके मैंने गोश्त का वो निकाल लिया है। साफ सुथरा धो के दोबारा से इसको अब इसमें ये लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लगाया है कि साथ ही हम इसमें जितना हमें नीड होगा उतना हम नमक डाल लेंगे, जितना सिर्फ गोश्त में ज़रूरत है, पुलाव में नहीं, क्योंकि राइस का पूरी जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये सिर्फ उतनी चीज़ें डाल रहे हैं जितनी हमें गोश्त में ज़रूरत है। एक चम्मच ये लाल मिर्चों की भी डाल दी मैंने, और ये हल्दी, अब इसको चूंकि मैरिनेट करके रखना है तो मैंने इसमें एक पैकेट वो या तो कच्चा पपीता डालते हैं गोश्त गलाने के लिए, या फिर जो पाउडर बाज़ार में मिलता है गोश्त गलाने का वो मैं एक थोड़ा सा डाल देती हूँ, एक चम्मच। ये गोश्त गलाने का पाउडर है जो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और अब इसको ये 1 स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, ये थोड़ा सा। अब इसको ढक्कन लगा के मैरिनेट करके रख दूँगी और पुलाव की बाकी चीज़ें तैयार करूँगी। देखिए, गोश्त को मैरिनेट कर दिया है और अभी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि लहसुन और हरी मिर्चें लगाई हैं, लाल मिर्चें, नमक, हल्दी लगाई है और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। अब इसको ढक्कन लगा के 2 घंटों के लिए रख दूँगी, ये मैरिनेट होके रहेगा। और 1 स्पून गोश्त गलाने का पाउडर भी डाला है मैंने। जो 2 घंटों के लिए मैरिनेट करके गोश्त रखा था मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है हल्की आंच पे। ये देखिए, मेरा जो बीफ है मसाला लगा के जो रखा हुआ था मैरिनेट करके वो तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और साथ ही मैंने ये पतीले में ऑयल डाल के रखा है। अगर आपके पास 1 kg राइस है तो आप 1 पाव यानी 250 ग्राम या 1 कप नॉर्मल ऑयल डालें, और इसी हिसाब से फिर जितने आपके पास बड़े हैं या जो कम है इस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है, तो मैंने ये अनियन कट करके रखे हुए थे ये मैं अंदर डाल रही हूँ। अब हमारा ये आज चटपटा मज़ेदार डिलीशियस सा पुलाव तैयार हो रहा है। प्याज को हम लाल करेंगे, प्याज लाल हो रहे हैं। अब इसमें मैं बिल्कुल लाइट से कलर के तो मैं इसमें ये कटी हुई चंद हरी मिर्चें डालूंगी, ये बहुत मज़े की खुशबू देती हैं। हमेशा से पुलाव का नाम आए तो माइंड में एकदम से यखनी वाला पुलाव आ जाता है, जबकि आज बिल्कुल डिफरेंट पुलाव होगा। प्याज मेरे लाल हो चुके हैं, पानी डाल दिया है मैंने इसमें। पहले ये होता था कि प्याज लाल होते जाएं तो मम्मी जो है वो फौरन गोश्त डाल देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज क्योंकि डिफरेंट बोला है तो डिफरेंट और सिंपल और मज़ेदार बनेगा आज। अभी नहीं, अभी सिर्फ साबुत गर्म मसाला और नमक और दही डालेंगे हम। थोड़ी से मसाला हम फून लें, 2-3 स्पून दही के, और साथ ये देखिए कोयला भी मैंने रखा हुआ है। पूरा लाल हो जाएगा तो लास्ट में इसको दम लगाना है, इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार लगती है मुझे। ये राइस डाल दिए हैं मैंने, और ये मसाला जो आपको नज़र आ रहा है
ये जो गोश्त में हमने मसाला डाला हुआ था उसकी बोटियाँ निकाल के अभी मैंने साइड पे रख ली हैं क्योंकि उनको अभी तक नहीं डालना था। अब ये वो वाला मसाला भी मैंने इसमें डाला है ताकि उस मसाले की खुशबू और जायका भी इन राइस में आ जाए, वरना इसमें इतना कुछ ख़ास मैंने नहीं डाला सिवाय साबुत गर्म मसाले के, नमक के और दही और हरी मिर्चों के। मेरा पुलाव जो है वो इस फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसमें जो आधा बचा के दही रखा था वो और उसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला था। एक्चुअली मुझे गार्लिक बहुत पसंद है और मज़े की बात यह है कि मेरी फैमिली को भी पसंद है, तो इसलिए मैं ज़रा गार्लिक को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपने नोटिस शायद किया हो मेरी रेसिपीज़ में, ये गार्लिक वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और पसंद हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। ये देखिए ये सारा डल चुका, इसको अब ठीक करके पूरे पे फैला देंगे हम। ये मेरा गार्लिक, ये एक, ये दो, ये मैंने छीला नहीं है, बीच में से कट किया है और इसको रख दिया है। ये अब मैंने इस पर दम लगाना है। अब मैं इसमें कोयला वगैरह मैंने रख दिया था, दम लगा रही हूँ। पुलाव हमारा दम लग चुका है, दम हटा दिया मैंने, अब ये कोयला निकाल के रखा। ये हमारा स्पाइसी और मज़ेदार पुलाव तैयार हो चुका है।